स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस जबरदस्त मैथमेटिक्स क्लास में। बहुत ही जबरदस्त तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और ये गारंटी है कि आपका मैथमेटिक्स में 95 के प्लस ऊपर आएगा, ये गारंटी है। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण का ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आखिर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहा है कि जो भी ये द्विघात समीकरण तो पता है ना, जिसके घात कितने हो? 2, उसका मूल की प्रकृति निकालना है, यानी इसका रूट्स निकालना है, मूल निकालना है, या कह सकते हैं x का मान निकालना है, कुछ भी हम कह सकते हैं। देखिए, आपसे बोले मूल निकालना है, इंग्लिश में बोले रूट्स निकालना है, जीरोज निकालना है, ठीक है, इसका मतलब x का मान ही निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है? x का मान। लेकिन कब निकालना है? अगर यदि मूलों का अस्तित्व है, एग्जिस्टमेंट बोल रहा है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इस मूल का अस्तित्व है तो हम लोग क्या करेंगे? उन्हें निकालेंगे। अब बताइए कैसे पता चले कि इसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ होगा ना सबूत? तो देखिए होता क्या है, ये फॉर्मूला से द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस बना रहे हो, इस फॉर्मूला पर ये भर के बना रहे हो, अगर इसका आंसर यानी कि ये भर रहे हो और डी का आंसर जीरो से छोटा आ जाए, जीरो से क्या आ जाए? छोटा आ जाए। अब जीरो से छोटा क्या क्या होता है तो बताइए कि 1, 2 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो जीरो से छोटा होता है -1, -2, यानी माइनस वाला कोई भी नंबर आ जाए तो समझिएगा वो उसका अस्तित्व नहीं होगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो आगे हम लोग का एक्स का भी मान नहीं निकलेगा, एक्स का मान क्या होगा? नहीं निकलेगा। कब? जब एक्स का यानी डी का मान क्या आ जाए? जीरो से छोटा आ जाए। जब डी का मान माइनस में आ जाए तो समझिएगा उसका अस्तित्व नहीं है, उसके बाद हम बनाएंगे नहीं। लेकिन वही अगर डी का मान माइनस को छोड़ के अगर कुछ भी आ रहा है तो समझिएगा कि हम एक्स का मान निकालेंगे, उसका मूल निकलेगा। उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला के आगे बनाएंगे। एक बार चेक करते हैं, यहाँ ए बराबर क्या है? ए बराबर है 2, पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, ये पूरा नहीं होता है, इसमें का सिर्फ नंबर होता है। तो ए बराबर 2, बी बराबर -3 और डी बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब यहाँ चेक कीजिए, डी को क्या बोलते हैं? डी को बोलते हैं विवेचक। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दे 2x² - 3a + 5 का विवेचक निकालिए या विविक्तिकर निकालिए, तो आप यही डी निकालिएगा। तो यहाँ बी कितना है? तो -3 का स्क्वायर और -4। ए कितना है? ए आपका है 2 और ये बी है 5। यहाँ देखिए 3 जाने 3 का 9 हो जाएगा और ये हो जाए 4 × 2 = 8 और 8 × 5 = 40 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए हमको डी बराबर, ये देखिए 40 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 31 बचेगा माइनस में। हम आपसे एक चीज बोले थे कि डी का मान कभी माइनस में नहीं आना चाहिए, अगर इसका माइनस में आया तो इस क्वेश्चन का अस्तित्व नहीं है, इसको जीने का कोई हक नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका अस्तित्व नहीं होगा तो इसको क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। यहां लिखेंगे इसका अस्तित्व नहीं है, इस क्वेश्चन का अस्तित्व नहीं है अगर ये माइनस को छोड़ के। देखो माइनस एक पनौती नंबर है, पनौती समझते हो ना, इसके आते ही मतलब घर में मनहूसी अच्छा आ जाता है, वैसे ही ये भी तो है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका भी आंसर नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर इसका अस्तित्व होगा प्लस में आएगा तो हम लोग फॉर्मूला बताएं भी आपको फॉर्मूला, x बराबर होता है -b + √√d और √2a। x का मान निकालेंगे यानी कि क्या निकालेंगे हम लोग? मूल निकालेंगे उसका, ठीक है। तो एक बार इसका हम लोग अस्तित्व चेक कर लेते हैं। तो d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। a बराबर थोड़ा सा लिख दें यहाँ 3, b बराबर क्या है? तो b बराबर ये नंबर कितना है? 4√3 और c बराबर कितना है? 4 है। डी बराबर d = b कितना है? तो b वाला पूरा भरिए -4√3² ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -4। a कितना है? तो a है 3 और ये c कितना है? 4 है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने पूरा भर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए -4√3² है, तो एक तो जानते हैं कि ये दोनों का स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, तो जब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 16 कितना होता है? यानी 16 × 3 = 48 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 16 × 3 = 48 हो जाएगा 48, और माइनस ये गुणा करिए 4 × 3 = 12 और 12 × 4 = 48। अब बताइए 48 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। देखिए d बराबर माइनस में आया, यानी विवेचक इसका माइनस में नहीं आया, इसका मतलब इस क्वेश्चन का अस्तित्व है। इसका क्या है?
इसका आपको यहाँ पे अस्तित्व चेक कर रहा है, इसका अस्तित्व है, ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम लोग इसका मूल निकाल सकते हैं, यानी x का मान निकाल सकते हैं। तो x के मान का फॉर्मूला था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना आया है, जीरो। वैसे एक बात आपको बता भी दे, अगर d का मान जीरो आएगा तो x का दोनों मान सेम आएगा, ठीक है, यानी कि x का यानी मूल क्या होता है, दोनों समान होता है। अगर d का मान बड़ा आया, जीरो से क्या आया, बड़ा आया, तो मूल समान नहीं होते, अलग अलग आएगा, लेकिन उसका अस्तित्व होगा। लेकिन माइनस में गया, समझ जाओ कि बस अब कुछ लगाने की जरूरत नहीं, हो गया इतना ही आंसर, इसका अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और बटा बी कितना है, बी थोड़ा सा हम लोग भर ले, बी यहाँ पे है, यहाँ जो है वो हम लोग भरते हैं, बी दिए माइनस उतार दे, और बी यहाँ पे ये दिया है माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस डी है जीरो और बटा में टू ए। आप थोड़ा सा सोचिए, माइनस ये दोनों एक पास अच्छा लग रहा है तो ब्रैकेट दे दें, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है, और ये प्लस माइनस जीरो तो जीरो हो जाएगा और बटा में टू ए कितना है, ए है आपका थ्री। यहाँ देखिए, अब इसको देखना है हमको, इसको बनाना है, आ गया फोर रूट थ्री, ठीक है, ये जीरो हो गया तो जीरो क्या लिखे, अब प्लस माइनस भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए ना, प्लस माइनस अब क्यों लिखेंगे, यहाँ जीरो तो कुछ कुछ वैल्यू है इसका नहीं होगा, इसको हटा दो और ये क्या हो जाएगा, बटा में तीन दूना कितना हो जाएगा, तीन दूना छः हो जाएगा। अब हमको बताइए दो ठो आंसर कब आता है द्विघात समीकरण में, एक बार इसके साथ प्लस लेते हैं और एक बार इसके साथ माइनस, तो हम ऐसे लें फोर रूट थ्री या प्लस में जीरो, तो क्या होगा, जीरो का कोई वैल्यू है, फिर लेंगे फोर रूट थ्री माइनस में जीरो बटा छः, तो इसमें ना ये जुटेगा ना घटेगा, जीरो तो कोई अंक नहीं है, एक होता तो जोड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो बताइए दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं, तो एक ठो एक्स बराबर इतना आया और एक टू एक्स बराबर इतना, दोनों एक ही आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से, आपका नंबर आई गारंटी कि आपका बहुत ही मैथमेटिक्स में जबरदस्त नंबर आएगा। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ हम लोग थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वही बात है, इसका अस्तित्व चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए विवेचक निकालते हैं, डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, थोड़ा सा ए बराबर यहाँ लिख देते हैं, ए बराबर पहला वाला नंबर, बी बराबर दूसरा वाला नंबर माइनस सिक्स, सिंबल भी लिखते हैं, सी बराबर थ्री। अब कहिएगा सिंबल लिखते हैं तो प्लस वाला काहे नहीं लिखते हैं, बाबू माइनस ज़्यादा पनौती होता है इसीलिए इसी को लिखते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस वाला हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ देखिए डी बराबर बी कितना है, तो बी है माइनस सिक्स का स्क्वायर और माइनस फोर, ए कितना है, ए है दो और बी कितना है थ्री है, d बराबर सिक्स का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, माइनस हट जाता है क्योंकि दो बार माइनस आने पर ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये चार दुना आठ और आठ तरीका 24, ये जब घटाइएगा आप तो ये हो जाएगा दो और ये एक, d बराबर कितना आया 12। अब बताइए कि जब d बराबर 12 आ गया, 12 आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए ना जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से बड़ा है तो x का मान निकलेगा, तो यहाँ देखिए x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बट्टा में 2a। फॉर्मूला याद कैसे रखिएगा, ये भी b से शुरू हुआ था, ये भी b से शुरू हुआ है, x x बराबर माइनस बी फिर प्लस माइनस रूट अंडर डी और बट्टा में 2a, माइनस का माइनस लिख दिए, b कितना है तो b माइनस में 6 है, एक को ऑलरेडी फॉर्मूला का माइनस था, एक इसका माइनस था, प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना आया है 12 आया है और बट्टा 2 और a कितना है, a है 2। यहाँ माइनस एक जगह अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए इसको ब्रैकेट लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में सिक्स प्लस माइनस, बारह का वर्गमूल होता है जी, बारह का वर्गमूल नहीं होता है, एक काम कर सकते हो, बारह को जब तुम तोड़ने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा दो छक बारह और क्या हो जाएगा दो तियाई छः और ये तीन एकम तीन, ठीक है, यानी बारह को जब हम तोड़े हैं तो आया है टू इंटू टू इंटू थ्री, यही ना आया है। अब बताइए रूट कैसे हटता है, तो उपाय बताए थे, जो नंबर अपना जोड़ीदार यानी पेयर में नंबर खोज लिया वो बाहर निकल जाएगा, बेचारा थ्री का तो कोई है ही नहीं, एक अकेले हो जाएगा ना, तो ये जोड़ीदार है तो ये दो ठो है तो अपना जोड़ी बना करके बाहर निकल जाएगा, यहाँ जोड़ी बनाना सबसे जरूरी है, तो दो बाहर हो गया, इसका कोई जोड़ी नहीं है बेचारा अंदर ही रह जाएगा, तो बाबू बारह का वर्गमूल हो गया टू रूट थ्री, ठीक है, यहाँ देखिए ट्वेल्व का वर्गमूल हो गया टू रूट थ्री और बट्टा में दो दूना चार। आपको बताया थे कि x का वैल्यू दो ठो निकलेगा क्योंकि जितना पावर होता है उतना x का वैल्यू होता है, तो x बराबर एक बार छः के साथ प्लस लेंगे सिक्स प्लस टू रूट थ्री और बट्टा में फोर,
ठीक है, इनमें से दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ देखो, चाहे इधर ही लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू, दोनों में दो का पहाड़ा मिल सकता है, तो जब दो कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, दो तीन छः, यहाँ से दो निकल गया तो रूट थ्री, और बट्टा में यहाँ चार, कटाना चाहो तो दो दूना चार हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस रूट थ्री, और बट्टा में क्या आ जाएगा दो, ये एक आंसर आ गया। और दूसरा आंसर देखिए, एक बार हम माइनस वाला, इसमें से क्या लें माइनस, तो प्लस में सिक्स है और माइनस में टू रूट थ्री, और बट्टा में क्या है फोर है, दोनों में दो का पहाड़ा मिल रहा है, कॉमन ले लो तो दो तियाँ छः माइनस दो, तो कॉमन हो गया है रूट थ्री, और बट्टा में फोर, दो दूना हो जाएगा चार, थ्री माइनस रूट थ्री और बट्टा में टू, एक ठो एक्स का मान ये हो गया और एक ठो एक्स का मान ये हो गया, तो आपका दोनों आंसर हो गया। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही मज़ेदार तरीका से समझ में आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कर रहा है, बहुत ही मज़ेदार है, देखिएगा कैसे ये बनेगा। देखिए क्वेश्चन को भारी समझिएगा तो मामला तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए यहाँ आसानी से समझिए। पहले कह रहा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान निकालना है, किसका मान फाइंड करना है, के का मान, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालना है तो निकालना है, लेकिन उसके दो बराबर मूल है, यानी कि आपसे इससे फर्स्ट वाला कोई क्वेश्चन बनाया जाए जिसमें जो थ्री नंबर था, वन का जो थ्री नंबर क्वेश्चन हम बताएं, देख लीजिएगा उसमें क्या बताएं, बराबर दोनों का आंसर कब आया था, जब d बराबर क्या आया था जीरो, जब d का मान जीरो आएगा तो दोनों मूल आपस में क्या हो जाता है, मूल का मतलब दोनों x का मान आपस में क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, तो यानी d बराबर जीरो होता है तब, तो k का मान निकाल लेना है, यानी d बराबर क्या हो जाता है जीरो, तो मूल क्या होता है बराबर, मूल क्या हो जाता है बाबू, मूल बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। D बराबर क्या होता है, पहले देखिए यहाँ A बराबर क्या है, तो A बराबर है दो, B बराबर क्या है यार, X के पहले वाले को B कहते हैं, B बराबर है K, और C बराबर क्या है थ्री। अब लगाइए D बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी का मान क्या होगा जीरो, क्योंकि मूल आपस में क्या है बराबर है, B कितना है तो B है K का स्क्वायर, B का मान K है यहाँ पे, तो हमने K भर दिया स्क्वायर, माइनस फोर ए, ए कितना है टू है और सी कितना है थ्री है, ठीक है, ये हो जाएगा के का स्क्वायर, और ये माइनस चार दूना, और चार दूना कितना हो जाएगा आठ, और आठ थ्री का कितना हो जाएगा चौबीस, इधर क्या आ गया जीरो, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा चौबीस, ठीक है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर ऐसे है, के स्क्वायर बराबर 24 है ना, जब भी स्क्वायर बराबर को जंप करके उधर जाएगा तो अपना नक्शा बदल देगा। आप भी कहीं जंप करते होंगे, आप पैर में कुछ लड़ता है तो आप गिरते हैं और नक्शा बदल जाता है, वैसे ही अगर ये स्क्वायर है बराबर के उधर ही जंप करेगा, इसका नक्शा बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में बदल जाता है, किसे बदल जाता है अंडर रूट, ये हो जाएगा 24। अब के बराबर अगर इसको रूट से निकालना चाहते हैं तो निकालिए, नहीं निकालना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। देखिए ये क्या होगा, 24 को जब आप निकालिएगा दो से तो हो जाएगा 12, दो से कीजिएगा तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। अब बताइए तो कितना आया है, 2 × 2 × 2 × 3। आपसे बताए थे कि रूट से बाहर कौन कौन निकलता है, तो जो अपना जोड़ा बना लिया वो तो बाहर निकल गया, अब बेचारा जिसका जोड़ा मिला ही नहीं, बेचारा अकेले रह गया, उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। देखो जोड़ा बना के ही दो बाहर आ गया, बच गया, दो का कोई जोड़ा एक जैसा नहीं है और थ्री का नहीं है, तो टू और थ्री अंदर आ जाएंगे, ये हो जाएगा टू और तीन दूना छः, इसका आंसर के का मान कितना आ गया 2√6 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, तो बिना देर किए आराम से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है नंबर, उस नंबर में अंदर दोनों में जितना नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो के एक्स में एक बार एक से मल्टीप्लाई, एक बार दो से करते हैं, तो के एक्स में एक से करेंगे तो के एक्स का पावर दो, और के एक्स में टू से करेंगे तो माइनस टू के एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू में जीरो। अब देखिए ये गुणा करेंगे तो क्यों होगा, आप बताइए कि दो का टेबल जब दो बार पढ़ते हैं तो दो दूना होता है चार, लेकिन हम बोले कि दो का टेबल एक्स बार पढ़िए तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो जब जिसका टेबल नहीं पढ़ते हैं उसको सटा के लिख देते हैं ऐसे, टू और एक्स हमने लिख दिया, वही काम यहाँ भी होगा, इसका टेबल के एक्स का टेबल दो बार पढ़ना है, पढ़ा तो नहीं पढ़ पाया तो तीनों लिख दिए हैं, ये तीनों देखो टू के एक्स, थोड़ा सा सजा के लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा इसको बना लीजिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जबकि दोनों मूल जब बराबर होता है तो d बराबर क्या होता है जीरो, तो d का मान क्या भरिएगा जीरो बराबर,
यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए इसको, ए बराबर क्या होगा, एक्स के साइड वाले को ही ए बोलते हैं तो के होगा, बी बराबर एक्स के साइड में क्या है माइनस टू के, और सी बराबर क्या है सिक्स है, तो हो गया ये तीनों। अब यहाँ बी भरिए, बी है माइनस टू के स्क्वायर है, और माइनस फोर इंटू ए कितना है तो ए है के, और सी कितना है तो सी आपका है सिक्स, इंटू में सिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा दो दूना चार के स्क्वायर, और माइनस ये छः चौका चौबीस के, ऐसा है कि नहीं। अब हमको के का मान निकालना है तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, नक्शा बदल गया भाई, तो 24 के हो जाएगा इज इक्वल टू में 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कटाना है तो कटे ही नहीं, यहाँ पे है दो ठोके और यहाँ पे कितना है एक ठोके, तो यहाँ पे एक से एक खत्म हो गया, एक ठोके बचेगा। अब ये मत समझिए कि दोनों काट दिए हैं, ये एक ही ठो काटे हैं, ठीक है। और यहाँ कितना बचा 24 बराबर 4 के, और ये हो जाएगा छः चौका 24 यानी चार छः 24, के बराबर क्या आ गया 6। इधर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए यहाँ पे के बराबर कितना है 6। यहाँ कैसे कटाए, के से के खत्म कर दिए, और 4 से 24 कटाए, नंबर से नंबर, तो 4 के टेबल में 6 बार में 24 है, के बराबर कितना आ गया 6। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। आपका नंबर दी बेस्ट लाना है तो जुड़े रहिए ज्ञापन अकेडमी के साथ, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।